नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं गोमेन पॉलिटेक्निक बस्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? गोमेन पॉलिटेक्निक के रिव्यूज देख रहे हैं कुछ बच्चों ने दिए। एक बोलता है नाइस प्लेस ऑफ डिप्लोमा, एक बोलता है बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स आर वेरी बैड, एक बोलता है टोटली इंजॉयड लाइफ ईयर। मुझे जो बीच वाला लगता है ना, वो लगता है कि मुझे ये बच्चा शायद कुछ रैगिंग का मामला टाइप लग रहा है, कि इस शायद कुछ बिहेवियर उन्होंने मतलब बदतमीजी की होगी कुछ बच्चों ने, और जो टीचर्स हैं वो भी थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्या पता उसको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं गोमेन पॉलिटेक्निक बस्ती के बारे में। देखिए, ये गोमेन पॉलिटेक्निक की बस्ती की वेबसाइट है, जो मतलब आप जानते हो गोमेन पॉलिटेक्निक बस्ती बहुत अच्छी खासी है। 1985 वैसे ज़्यादा करके पॉलिटेक्निक 1945 के पहले हुए थे, लेकिन ये एक ऐसा कॉलेज है जो आज़ादी के बाद हुई थी, मतलब गोमेन पॉलिटेक्निक बस्ती। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कोर्सेस है, कितने ब्रांचेस है, पहले ये छोटी छोटी बातें ख़त्म करते हैं। गोमेन पॉलिटेक्निक में सिर्फ 3 ही ब्रांचेस है, खास बात ये है। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखो, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और प्रोडक्शन है। अब खुद ही सोचिए कम ब्रांचेस के फ़ायदे क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ टीचर्स एक्चुअली ज़्यादा मतलब ठीक ठाक होंगे, और उनको कम ध्यान दे मतलब इतने ब्रांचेस पे ध्यान देना है, ना कि सारे ब्रांचेस पे। तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगा, होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर कॉलेजेस में होता है, जहाँ पर कई सारे ब्रांचेस हैं। मतलब अराउंड मेरे जो गोमेन पॉलिटेक्निक लखनऊ में, शायद वहाँ पर तो हद पार ब्रांचेस है, अराउंड 16 से भी ज़्यादा। तो इतने सारे ब्रांचेस हैं फ्रेंड्स, तो खुद सोचिए एक तरीके से एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये गोमेन पॉलिटेक्निक बस्ती में 3 ही कॉलेज है, मतलब 3 ही ब्रांच है, और एक ऐसा एक और कॉलेज है जिसमें 3 ही ब्रांच है, तो वो भी कॉलेज हम बात करने वाले हैं। और उसको बताने से पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये कॉलेज कैसा है। तो हमने ब्रांच के बारे में बात कर ली, अब हम पहले बात कर लेते हैं इनके फैकल्टी के बारे में। फैकल्टी फ्रेंड्स, टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। प्रिंसिपल जो है वो भी एमटेक है, और फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको ये वेबसाइट से पता चल जाएगा, मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कमाल की बातें बताता हूँ जो आपको रियल में लगे कि हाँ ये इनसाइट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई गोमेन पॉलिटेक्निक बस्ती कैसा है। बोला यार ठीक ठाक है, लेकिन कुछ टीचर्स अजीब हैं, और ये सारे कॉलेजेस का मामला है। हाँ, कि भाई पढ़ाई होती है वो आता है, बहुत स्ट्रिक्ट है यार, बहुत परेशान करता है। मतलब ऐसा कुछ बोल रहा था कि भाई प्रोजेक्ट फाइल उसने लिखवाया, और वो भी ज़बर मतलब इतने सारे, और भाई आया लिखवाते ही गया सिर्फ, और पढ़ाई ठीक ठाक हुई सोम वाला। लेकिन उसको एक बोलता है कि सिविल इंजीनियरिंग में सोम अच्छा पढ़ाते हैं, मैकेनिकल वाला मुझे अजीब लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसे वैसे, और जानते हो एक कॉमन सी चीज़ मैं बताता हूँ टीचर्स का, जो मैं एक्चुअली बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ क्या है कि देखिए, ज़्यादा करके टीचर्स आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ, वो अपनी फिलॉसफी बताने लगेंगे, वो कुछ अपने ही बताने लगते हैं कहानी, कि भाई देखो मैं यहाँ था, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ। भाई मैं आपकी कहानी सुनने नहीं आया हूँ, हम आपसे पढ़ने आए, पढ़ा दीजिए, हमारा टाइम वेस्ट ना करिए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कोई भी कॉलेज में, मैं अपने कॉलेज में गया हूँ, दूसरे कॉलेजेस में देखा हूँ, भाई वो अपनी फिलॉसफी बताते रहते हैं। सच कह रहा हूँ यार, मतलब हद पार फिलॉसफी। तो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस के जो क्लासेस है वो भी ठीक ही ठाक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। हाँ ये है कि प्रैक्टिकल्स और लैब शायद होते हैं वहाँ, मतलब पक्का नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि कुछ के साथ हुए थे प्रैक्टिकल्स, और कुछ ने प्रैक्टिकल नहीं दिए थे। तो फ्रेंड्स इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई आपका प्रैक्टिकल होगा कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि गोमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बस्ती है, हम चौथी चीज़ पे बात करते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है। भाई प्लेसमेंट यहाँ शायद कैंपस प्लेसमेंट सेल नहीं है, आपको वहाँ पर जाना पड़ता है कंपनीज में, और वहाँ पर प्लेसमेंट लेना पड़ता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बोल देंगे एड्रेस ये है, कंपनी ये है, आप जाइए और प्लेसमेंट ले लीजिए। सिंपल सा है, बहुत प्लेसमेंट ठीक ठाक ही होता है, मतलब पढ़ाई भी ठीक ठाक होती है, मतलब एज़ कम्पेयर टू और कॉलेजेस ठीक ही ठाक है आप कह सकते हो। टीचर्स भी थोड़े बहुत ठीक ही ठाक है, जो पहले का आता उसको याद रखना, वो हर कॉलेजेस में होता है कि फिलॉसफी बताने लगेंगे, पढ़ाई के बदला कुछ और ही होता है, तो ऐसा होने लगता है कभी कभी। और फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए 30 मिनट का अगर पीरियड है, तो 15 मिनट तो फिलॉसफी चलेगी, 15 मिनट आपकी पढ़ाई चलेगी। और फ्रेंड्स दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि कॉलेजेस सारे ठीक ठाक है वैसे ही होगा, बस ये कि यहाँ पर रैगिंग थोड़ा कम होता है, मतलब रैगिंग होता नहीं है इतना, लेकिन अगर आपके साथ हो गया तो वो समझ लो किस्मत है। किस्मत मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स
जो रैगिंग है वो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कोई बंदा आपके साथ मस्ती कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपको एक्चुअली वो सोच रहा है कि आप कुछ नहीं करने वाले हो, लेकिन अगर आप एक बार कदम उठा लेते हो तो वो बंदा कुछ नहीं करेगा फिर। तो ये चीज मैंने देखी है फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही बार आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। जो ये मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ ना, जो बच्चे एक्चुअली बहुत वो होते हैं, ढीले ढाले, जो एक्चुअली सोच मतलब अजीब तरीके से रहते हैं, बहुत चुप चुप, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप। चलो इंट्रोवर्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रांग तो बनो यार, ये जरूरी है, स्ट्रांग रहना चाहिए। कि अगर कोई भी आपको मतलब सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसके लिए कदम उठा सको। तो फ्रेंड्स ये जरूरी है, आप जब बाहर आते हो, यहाँ पर हॉस्टल्स भी है फ्रेंड्स, हॉस्टल्स भी मेंटेन है। आप जैसे देखेंगे गांव में पढ़े नहीं, गोरखपुर, वहाँ का तो हॉस्टल शायद 2 साल से ही बंद है, 2-3 साल से, कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। हाँ कुछ बच्चे खराब हर जगह आते हैं, क्योंकि ये कॉलेज ऑफकोर्स गाँव का कॉलेज एक टाइप तरीके से कह सकते हो, मतलब बस्ती में जो डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, तो इसलिए कुछ बच्चे हो सकते हैं खराब है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपको अच्छे मिलेंगे, पढ़ने वाले मिलेंगे, सच कह रहा हूँ फ्रेंड्स। मैंने देखा है एक्चुअली बहुत सारे बच्चे, मुझे मालूम नहीं कैसे किस्मत थी, मैंने जब मिला तो वो पढ़ने वाले थे, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई है फ्रेंड्स, उसका ध्यान रखिए और इसको संभाल के मतलब रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती याद रखना दो है। हाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, और ये कॉलेज ठीक ही ठाक है, पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है और टीचर्स भी ठीक ही ठाक है और सारी चीज़ें मस्त हो जाती हैं। और हाँ बैंक थोड़ा पास में, जिससे आपको जो काम होगा वो भी आपका हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती से बैंक थोड़ा पास है, यहाँ से जो मंडी है वो भी पास है। मंडी पास होने का फ़ायदा क्या होता है यार, कि आप सब्जी थोड़ा मतलब सस्ते में ला सकते हो, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहोगे, ये फायदा होता है। और दूसरा फायदा क्या होता है पता है, कि आपको रूम थोड़े बहुत सस्ते में मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू बाकी मतलब जगह से। तो ये फायदा एक और है, तो ये फायदे आपको मतलब देखने चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स सस्ता तो थोड़ा होना चाहिए ना यार, ना तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते रूम्स अगर हॉस्टल नहीं मिला उन्हें तो। तो ये थी मेरी जो बातें मतलब मैंने देखी थी। तो फ्रेंड्स आप, आई होप आपको ये कॉलेजेस का रिव्यू पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मतलब कोई भी इससे रिलेटेड कि कैसा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, कमेंट का हर वक्त आंसर देने की कोशिश चलती रहती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।